हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बोमोल अप्रोच टू ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी, जिसको कि हम बोमोल इन्वेंट्री अप्रोच भी कहते हैं। साथ ही साथ ये बोमोल टोबिन कैश मैनेजमेंट अप्रोच भी कहलाता है। तो इस टॉपिक पे हमने दो वीडियो बनाई हुई हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसका पहले पार्ट की, ये हमारा पहला पार्ट है। तो स्टार्टिंग से समझते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, खासतौर पे जो बच्चे एमए की तैयारी कर रहे हैं या जो इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हैं और नेट के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही साथ में। तो बड़ा ध्यान से समझिएगा ये टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो केंजियन थ्योरी थी, जिसको कि हम लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी कहते हैं, उसमें भी बात की गई है ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी की। तो उनका मानना था कि जो ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी है वो इनकम से तो पॉजिटिवली रिलेटेड है, यानी कि इनकम इलास्टिक होती है वो, लेकिन जो इंटरेस्ट रेट से वो पूरी तरीके से इनइलास्टिक है, जब तक कि इंटरेस्ट रेट बहुत हैवी ना, हाई ना हो जाए। तो अगर आपको याद है तो आपको मैं बता दूं, इस तरीके का डायग्राम बनाया करते थे हम, ये जो L1 कहलाता था इस तरीके का, ठीक है। यानी कि यहां पर अगर हम इंटरेस्ट लिख दें और यहां पर लिख दें डिमांड फॉर मनी, ये केंजियन अप्रोच है डिमांड फॉर मनी, इस तरीके का हुआ करता था कर्व, जिसमें हम कहते थे कि भाई इंटरेस्ट रेट जितना भी हो, जो जो लोग पैसा ट्रांजेक्शन के लिए रख रहे हैं सौदों के, क्योंकि उन्होंने तीन ऑब्जेक्टिव बताए थे, ट्रांजेक्शन पर्पस, प्रकॉशनरी पर्पस और स्पेकुलेटिव मोटिव। तो यहां पर हम ट्रांजेक्शन पर्पस की बात कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन मोटिव की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हो जाए तो हो सकता है वो थोड़ा बहुत कम कर दे, लेकिन नॉर्मली जो ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी है वो इंटरेस्ट रेट से इनइलास्टिक रहती है। तो ये जो थ्योरी है बोमोल की, ये पोस्ट केंजियन थ्योरी है। इन्होंने जो सबसे पहले जो, क्योंकि केंजियन थ्योरी में तो काफी पॉपुलर रही, पोस्ट केंजियन थ्योरी ने सबसे पहले बताया कि ये बात गलत है कि जो डिमांड फॉर मनी है वो इंटरेस्ट से इनइलास्टिक है। ये पूरी की पूरी थ्योरी का कंक्लूजन ये है। उन्होंने बताया कि जो ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी है वो भी इंटरेस्ट रेट से इन्फ्लुएंस होती है, यानी कि जो पैसा आप सौदों के लिए रखते हो, ट्रांजेक्शन पर्पज के लिए रखते हो, वो भी इंटरेस्ट रेट से इन्फ्लुएंस होता है। तो ये कहना कि इंटरेस्ट रेट से ये इन्फ्लुएंस नहीं होता, केंज की ये बात गलत है। तो वो थ्योरी को इस तरीके से डेवलप करते हैं कि कोई भी व्यक्ति हो, वो अपने पास कैश का मैनेजमेंट करता है। कैश मैनेजमेंट का मतलब है कि वो कुछ पैसा कैश रखता है और कुछ पैसा बैंक में FD करा दे या बॉन्ड परचेज कर ले, इस तरीके से रखता है। क्यों? क्योंकि अगर वो पैसा कैश रखता है तो कैश रखने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि उसमें किसी भी तरीके का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, जो कि उसको मिल सकता था अगर वो बैंक में रखता पैसा या बॉन्ड परचेज करता। यहाँ पे बॉन्ड की बात कर रहे हैं, यानी कि अगर वो मान लीजिए बॉन्ड परचेज करता, बैंक की बॉन्ड ले लेता, तो वो उसको क्या मिलता? इंटरेस्ट रेट मिलता। लेकिन उसको इंटरेस्ट रेट फॉरगन करना पड़ेगा, भूलना पड़ेगा अगर वो पैसा कैश रखेगा। तो सबसे बड़ा फायदा, नुकसान क्या है पैसे को कैश रखने का, कि पैसे को कैश रखने से आपको वो इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा जो कि आपको मिल सकता था अगर आप बैंक में पैसा जमा कराते तो। लेकिन सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? कन्वीनियंट है। कन्वीनियंट कैसे है कि आप जब मर्जी खर्च कर सकते हो, जहां मर्जी खर्च कर सकते हो, तो इट इज वेरी कन्वीनियंट। हो सकता है जब ये थ्योरी आई हो तब ATM नहीं रहा हो, क्योंकि ATM इसी दिक्कत को दूर करने के लिए तो है कि जब आपको पैसा चाहिए तब आप निकाल सकते हो, वो जो बैंक जाने की ट्रिप है। तो यहां पर हम ये मान लेते हैं कि ATM सिस्टम काम नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये पुरानी थ्योरी है। तो यहां पर हम ये बता दें कि ये थ्योरी कहती है, या हो सकता है हम ये भी कहते हैं कि ATM इसी थ्योरी की वजह से बना हो, जो बैंक में जो ट्रिप करते हैं हम बैंक जाने के, उसे रिड्यूस करने के लिए। तो ये थ्योरी आगे बताती है, द मॉडल एग्जामिन द कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ होल्डिंग कैश। यानी कि ये थ्योरी किसका एग्जामिन करती है कि पैसे को कैश रखने का फायदा या नुकसान को एग्जामिन करने के लिए थ्योरी बनी है, ठीक है। आगे हम अगर बात करें तो ये थ्योरी बताती है ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी इज इंटरेस्ट इलास्टिक, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंटरेस्ट इलास्टिक होती है, यानी कि जो केंजियन थ्योरी थी उसकी इन्होंने आलोचना की, उनको क्रिटिसाइज किया, उनकी इंप्रूवमेंट करते हुए कहा कि जो ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी है वो भी इंटरेस्ट इलास्टिक होती है, ठीक है। कैश बैलेंस इन्वॉल्व अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जैसे कि हम बता चुके हैं कैश बैलेंस में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, क्योंकि जो पैसा आप बैंक में रखते या बॉन्ड में रखते तो आपको इंटरेस्ट मिलता, तो वो एक तरीके से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैश। तो यहां पर हमें डिसाइड करना पड़ेगा ऑप्टिमम कैश बैलेंस। ऑप्टिमम कैश बैलेंस का मतलब है कि हमें यह डिसाइड करना है, ये पूरी की पूरी थ्योरी में ये बताया जाएगा, एक फार्मूला बनाएंगे जिसको हम स्क्वायर रूट फार्मूला कहते हैं, वो हम नेक्स्ट और डायग्राम भी बनाएंगे अगली वीडियो में, हम इस पूरे को एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि किस तरीके से पैसे को कितना पैसा रखा जाए, वो हम फार्मूले के थ्रू आपको प्रूव करके दिखाएंगे। फिलहाल हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उसके बेसिक प्रिंसिपल की।
तो ये कह रहा है कि अपॉर्चुनिटी ऑप्टिमम कॉस्ट बैलेंस टू मिनिमाइज दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ऑप्टिमम कैश बैलेंस क्या करता है, मिनिमाइज कर देता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को। किसको मिनिमाइज कर देता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को। तो अब इसके एजम्पशंस की बात करें, देखिए एजम्पशंस को ध्यान में रखिएगा प्लीज। सबसे पहले कह रहा है कि एन इंडिविजुअल ऑफ फर्म रिसीव इनकम वन टाइम बट स्पेंड हिज इनकम रेगुलरली। यानी कि मतलब यहां पर हम ये मान लेते हैं कि सपोज कीजिए, मैं एक एग्जांपल से ले रहा हूं, सपोज कीजिए आपका इसका जो इनकम है वो 1000 है, ठीक है। हमने सिंपल लेने के लिए मान लिया है, इनकम को 1000 मान लिया है, आप चाहो तो केवल वाई मान लो, ठीक है। तो उसके बाद वो कह रहा है कि वो यूनिफॉर्मली एक्सपेंस करता है पैसा, यानी कि जो उसका एक्सपेंडिचर है, जो उसका एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर रिमेन यूनिफॉर्म, ठीक है। मतलब अगर वो मान लो महीने में 100 रुपए खर्च करता है तो हर महीने 100 रुपए ही खर्च करेगा, ठीक है, ये हमने अज्यूम किया। दूसरा, इंडिविजुअल कंबाइंड हिज असेट्स पोर्टफोलियो टू कैश एंड बॉन्ड्स। तो दो चीजों में रखता है, या तो कैश रखेगा या बॉन्ड में रखेगा। किस लिए, टू मिनिमाइज हिज कॉस्ट, यानी कि वो चाहता है कि उसकी जो कॉस्ट है होल्डिंग मनी वो कम से कम आए, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ ट्रिप टू बैंक रिमेन कॉन्स्टेंट। तो हमने ये भी मान लिया है कि जो बैंक में जाने की कॉस्ट होती है, यानी कि बैंक को बार बार वो ट्रिप करेगा। जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए एटीएम नहीं है, ठीक है, तो मान लीजिए कि मेरा पैसा बैंक में है और मेरी बैंक मेरे घर से लगभग 5 किलोमीटर दूर है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हर बार बैंक जाना पड़ेगा अपने पैसे को निकालने के लिए। तो चलिए मैं मान लेता हूं कि मैं केवल एक बार ट्रिप करता हूं, यानी कि एन जो है मेरा वो केवल एक बार है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या कहेंगे, केवल एक बार एन का मतलब है कि केवल मैं एक ट्रिप करता हूं। तो ये मान लीजिए मेरे पास में 1000 रुपीज है, ठीक है। मान लीजिए साल आते आते, यानी कि एक साल में हमने पैसा निकाला ना, तो सारा पैसा हमने एक बार में निकाल लिया, और एक साल आते आते सारा पैसा जो है वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यही माने मैंने माना कि मेरी इनकम 1000 है और मैं एक बार बैंक में ट्रिप करता हूं, तो सारा का सारा पैसा हमारा जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस दिन पहली तारीख थी, मान लीजिए 1 जनवरी को मेरे पास में 1000 रुपए थे, और 31 दिसंबर को मेरे पास में कितने पैसे हो गए, जीरो पैसे हो गए, क्योंकि सारे पैसे खर्च कर दिए मैंने। तो इसका जो एवरेज आएगा, एवरेज कितना आएगा, एवरेज आएगा वाई प्लस एन प्लस वन। यानी कि मेरे पास एवरेज कितना आएगा, इनकम थी 1000, एन कितना है 1 प्लस 1, यानी कि 500 का मेरे पास एवरेज आ गया, ठीक है। तो ये इसका तरीका है एवरेज निकालने का। मान लीजिए मैं 2 टाइम ट्रिप करता हूं, मतलब मैं क्या करता हूं, 2 टाइम ट्रिप करता हूं, यानी कि एक मैं ट्रिप करता हूं महीने के स्टार्टिंग में, एक दिसंबर को मान लीजिए, 1 जनवरी को मान लीजिए, फिर मैं ट्रिप करता हूं कितने तारीख को, 1 जुलाई को, ठीक है, ताकि 2 ट्रिप हो जाएंगे मेरे। और पैसा इसी तरीके से खर्च करता हूं, एक बार पैसा निकाला फिर रेगुलरली मैंने खर्च करता रहा। तो देखिए किस तरीके से हो जाएगा। तो यहां पर मान लीजिए सबसे पहले मैंने पैसा निकाला, फिर खर्चा हो गया, फिर सारा पैसा मैंने एक साथ फिर निकाला, ठीक है, इस तरीके से 2 बार बन गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहां पर अगर हम बात करें, सॉरी थोड़ी गलती हो गई, ये 2n होता है, एवरेज होता है वो 2n होता है, ठीक है। तो ये 2n एवरेज होता है, यानी कि बात तो वही है, 2 से डिवाइड करेंगे इसको, क्योंकि 2 × 1 2 होगा, ठीक है। इसमें हम देख लेते हैं, इसमें मान लीजिए हमने 1 जुलाई को क्या किया, 1000 थे, फिर हमारे सॉरी 500 निकाले हमने, क्योंकि हाफ निकाल रहे थे, 500 निकाले, और यहाँ पे जीरो पैसा हो गया हमारे पास में, यहाँ फिर हमने 500 निकाले और यहाँ जीरो पैसा हो गया। तो जो एवरेज आएगा वो कितना आएगा, वो जैसे कि हमने आपको बताया 1/y = 2n होता है, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे तो हमारे पास इनकम थी 1000 और 2 × n 2 ट्रिप की है, तो इसका मतलब हमारा जो एवरेज आया वो 250 आ गया, ओके जी। मान लीजिए हम 10 ट्रिप करते हैं, मान लीजिए 100 ट्रिप करते हैं, मान लीजिए 1000 ट्रिप करते हैं, तो कितना भी ट्रिप करें, मान लीजिए हम मान लीजिए बहुत सारे ट्रिप करते हैं, तो इस तरीके से हम कई सारे ट्रिप कर सकते हैं, ठीक है। तो जो एवरेज आएगा इसका, इन सभी ट्रिप का, वो कितना आएगा, y/2n। तो ये हमारा ट्रिप है, यानी कि यहां पर हमने अभी कॉस्ट की बात नहीं की है, यहां पर हमने केवल ये बताने की कोशिश की आप बच्चों को कि हम जितना ज्यादा ट्रिप करेंगे, देखिए जितना ज्यादा ट्रिप करेंगे, यानी कि मोर ट्रिप का मतलब है लेस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, लेस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्योंकि जैसे हमने बच्चों बताया था कि यहां पर हमारी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है वो कम आएगी, लेस अपॉर्चुनिटी। मोर ट्रिप का मतलब लेस, यानी कि यहां पर मान लीजिए आपने 1 रुपए एक बार ट्रिप किया, तो जो सारा का सारा पैसा आपने निकाल लिया तो आपको कोई इंटरेस्ट मिलेगा ही नहीं। यहां पर आपने देखो 500 रुपए तो छोड़ दिए थे ना बैंक में, तो
आप 500 रुपए 6 महीने बाद निकालने के लिए गए तो 6 महीने तक तो आपको कुछ फायदा मिलता ही रहेगा, ठीक है। यहां पर इसका मतलब यह हुआ कि जितना कम ट्रिप करोगे आप, लेस ट्रिप का मतलब है मोर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और मोर ट्रिप का मतलब है लेस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमें यह भी तो डिसाइड करना है कि हम कितनी ट्रिप करें और कितनी ट्रिप ना करें। वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरीके से ऑप्टिमम लेवल डिसाइड होता है ट्रिप का, कितनी ट्रिप हमें करनी चाहिए, कितनी ट्रिप हमें नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।